अच्छा, तुम्हारी वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। यार एक मशवरा तो दो। हाँ। कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहाँ पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूँ हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ। Assalamu alaikum ji, I'm Shabbat Hashmi, CEO, Grandvita Advertising and Communications. A great opportunity and honor to be interviewed by Asian Trade TV and a dear friend, Shahid Mia. I must say what Asian Trade TV is doing for the future of Pakistan, bringing out the success stories and furthermore sharing deep insights about trade, commerce, investments, marketing, startups, digital. I must say such initiatives must be taken. And it's an amazing YouTube channel which you guys must subscribe to. Furthermore, you can find me there as well in a very exclusive interview. We had a great discussion. We discussed multiple things. I must thank our friend Shahid Mia and Asian Trade TV to consider me as part of the show. And furthermore, I hope and wish them all the best in the future. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीर तक के सफ़र में आज एक नई पर्सनैलिटी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान की ट्रेड को इंटरनेशनली प्रमोट करना है और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करना है। और हमारी कोशिश होती है हमेशा कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़, कुछ ऐसी स्टोरीज आपके सामने लेकर आएँ जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क में मुकाम हासिल किया होता है बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया होता है। इनमें से आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए, कोशिश करूंगा अल्फाजों का सहारा लेते हुए। इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत काम किया उन्होंने दुनिया में। दुबई की मार्केट में अगर आप चाहें तो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे इन्वेस्टमेंट जोन हो, चाहे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे वो न्यू स्टार्टअप्स हो, बहुत काम किया भी है और कर भी रहे हैं जी। वन एंड ओनली मिस्टर शफाक रसूल हाशमी मिलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बान में। जी शफाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। ऑनर्ड, सच अ प्रिविलेज, ग्रेट नोइंग यू एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब एट योर शो। थैंक यू बॉस। कैसे हैं आप? शफा साहब, माशाल्लाह इतना काम किया, कर भी रहे हैं माशाल्लाह, इतना नाम भी, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, कर भी रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड हो, चाहे होटल्स के वर्ल्ड हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, ये सब क्या है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप खुद ही बताएं अपना इंट्रोडक्शन। मैं चाहूँगा कि आज आप बोले और मैं सुनूँ। दिस इज़ वेरी डेंजरस टास्क, ये खतरनाक होता है कि But anyways, I can share a few things. We have four different companies. Okay. So my interest in one is Grandbeat Advertising and Communications, which has six different offices. And we have served 750 plus brands, SMEs, corporations, from a marketing perspective, which is rebranding, brochures, websites, digital marketing, campaigns management, creative works. Creative. Okay. This happens to be my passion. So our second business is Stallion Gates Asset Management, which is based out of Abu Dhabi. Okay. So usme hum kya karte hain ki usme we manage funds, we also introduce funds, REITs for example, the real estate investment trusts hote hain. Uske alawa kuch different asset classes hain jiske andar hum log invest bhi karte hain, unko manage bhi karte hain. A little bit of financial advisory also. Furthermore, I have a real estate company which is based out of Saudi. So we do real estate, हम पूरा project conceive करके advisory भी देते हैं उसके ऊपर, market भी करते हैं, sales भी करते हैं, construction नहीं करते, ठीक है, interiors नहीं करते, but it's more on the commercial side of the things. So we have been advisor to some of the top
corporations, from the largest data center developers in the Middle East. More recently, various Malaysian clean technology, Pemra.Tech has got me with a laid back view, but still I love technology and I think this is the future. So we have put up a firm with the name of TechRoss, also based out of Dubai, wherein we develop apps. I also sit as a board member on multiple startups. MashaAllah. And we also have a couple of our own startups. Hamari definition thodi si startups ki parat hai, which is ke sirf ek naya app banana ek startup nahi hai, balki ek problem ko solve karna with or without technology or any other business, any small business is a startup. So myself, kyunki meri apni ek entrepreneurship ki journey hai. So वो जो कि बड़ी अच्छी थी और कुछ दुआएं थी जिसकी वजह से वी बिकेम सक्सेसफुल. सो एंड स्टिल यू नो अप हियर एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज, एवरी डे वी हैव टू बीट दोस चैलेंजेस. सो मैं ये जरूर चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप को और एसएमई सेक्टर को सपोर्ट किया जाए, जरूरत भी इस चीज़ की. एग्जैक्टली. सो बी इट मार्केटिंग, वी कैन हेल्प देम मार्केट पोजिशन द ब्रांड्स सो दे आर लोकली एज वेल एज ग्लोबली कंपेटिटिव. Technology we want to instill. मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप को देखें और उसको जो भी सपोर्ट चाहिए वी कैन डू दैट. शफात साहब, आपके एज को देख के तो आइडिया नहीं होता कि माशाल्लाह इतनी एज में माशाल्लाह इतना काम आप कर रहे हैं, कर भी लिया, और इतने लोग आपके यहाँ काम भी करते हैं. आपके इंटरनेशनल ऑफिस भी है, पाकिस्तान में भी काफ़ी बड़ा सेटअप है, मैंने खुद भी देखा है. तो ये सब कुछ कैसे आप यानी कि एक टाइम में मैनेज कर रहे हैं, और जिस तरह आप टेक्नोलॉजी के लिए भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा और डिटेल में भी इस पर बताइए प्लीज़. आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस कि हम मल्टीपल ऑफिसेज मैनेज कर सकें. जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ आपको खुद ही करना होता है. जी हाँ. सेल्स से लेके डोर टू डोर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर स्टोरी यही होती है. जी हाँ. एक दो आपके दोस्त होते हैं या अपनी जो तनख्वाह ले रहे होते हैं उसमें से पोर्शन की सैलरी किसी और की भी निकाल रहे होते हैं. And this is how I started also. So, जब मैंने अपनी एजेंसी बनाई तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर था मेरे पास थी और एक मैं था. सो मैं अपना कॉन्टेंट भी खुद ही कर लेता था. वो ग्राफिक डिज़ाइन के साथ बैठ के उसको एडवाइस करता था, यार इसको ऐसे लेआउट करते, उसको ऐसे करते. सो बहुत कुछ आप खुद ही करते हैं. यू हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी. बट अक्सर जगहों पर गलती ये होती है कि जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो बहुत कुछ सेंट्रलाइज कमांड में होता है और बहुत कुछ आप पे डिपेंडेंट होता है, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट योरसेल्फ. बिल्कुल. रिस्क लेना, डेलीगेट करने का रिस्क लेना, इट्स एन आर्ट. सो सर्विस, बिकॉज वी आर इन सर्विसेज इंडस्ट्री, सो सर्विस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट पीपल. या सो बीइंग ब्लेस्ड विद अ गुड टीम इज द की टू विनिंग. मैनेजिंग द टीम, मोटिवेटिंग देम एनफ एंड गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर इज द वन हु वर्क्स विद स्मार्ट पीपल. सो यू हैव टू ब्रिंग द स्मार्टेस्ट in the room and make sure they execute the best. And this is how I started delegating. So I have a CEO for my asset management firm, and similarly I have a CEO for my technology firm, and similarly I have different COOs and you know commercial officers for each of our branch offices. So ek puri hierarchy hai, mashallah, iske upar I have worked out ki maybe at the end of the day bahut kam logon ke sath coordinate karna padta hai, and I still have an eye on what's going on there. माशाल्लाह शफात, मुझे बहुत खुशी हो रही है एज ए पाकिस्तानी ये सारी चीज़ें देखते हुए भी. अच्छा मुझे ये बताइए, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है ख्वाबों से तबीर तक, तो बचपन में जो बंदा एक लाहौर मॉडल टाउन में से खेलता हुआ है यहाँ तक पहुँचा है, वो तो थोड़ी सी अपने यानी कि बचपन की कोई यादें बताएं हमें, थोड़ा सा शेयर कीजिए. और जो ख्वाब बचपन में आप सोचते थे, देखते थे, क्या आपको वहाँ तक पहुँच गए हैं या वो आपको मंजिल मिली है कि नहीं, कि उसकी तरफ अभी आप रवा दवाएं? मंजिल तो बहुत दूर है और बहुत आगे है. अभी स्टार्ट है, बल्कि स्टार्ट है. आई एम नॉट अ पर्सन हु इज ईगर फॉर वेल्थ. ओके. आई थिंक वेल्थ मनी इज अ बाय प्रोडक्ट. व्हाट आई एम ईगर इज टू डिलीवर एक्सेलेंस इन ऑल दैट वी डू एंड क्रिएट अ सर्टेन बेंचमार्क जो अगले कई सालों तक रहे. My aim, personal aim or objective is कि मैं अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाऊँ. ठीक है. जो कई सालों तक लोग उसको लर्न करते हैं और उससे कुछ सीखें.
बोथ एट अ पर्सनल लेवल एंड एट अ प्रोफेशनल लेवल. आप बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बना के भी छोड़ जाए, बिजनेस को खराब करके तबाह कर दे, वो भी टू मच. बिल्कुल, आप कुछ ना छोड़ के जाए, छोटा सा सेटअप छोड़ जाए, बिजनेस को ग्रो कर ले, यू नो इट्स गुड लक. सो एंड इट्स देयर नसीब. सो ले दे के तो जी आपको वही 7 फुट चाहिए सोने के लिए भी, रहने के लिए भी और मरने के लिए भी, वो भी नसीब के साथ, किस्मत के साथ है. एग्जैक्टली. सो बॉटम लाइन तो वही है. अब व्हाट आपका अपना ऑरा क्या है आप? सो माय एम इज कि कोई शख्स एटलीस्ट भूखा ना सोए इस दुनिया में. और इंस्टेड ऑफ दिस कि हम लोगों को डोनेशंस देते रहे, हमें अपनी पोजीशन ऐसी बनानी चाहिए कि हम जॉब क्रिएटर्स हों. क्रिएटर्स, बिल्कुल. और जितनी जॉब्स क्रिएट करेंगे उतनी फैमिली सपोर्ट करेंगे. सो एक हमारा जो टीम मेम्बर है ऑफिस का, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली है. फैमिली है. सो अगर मैंने उस एक को हायर किया हुआ तो 8-10 लोग आर बीइंग फेड, आर बीइंग एजुकेटेड. एंड दिस इज व्हाट शुड बी द एम ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. मेरी ख्वाहिश है कि इफ आई रिटायर, आई रिटायर इन मदीना शरीफ. ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहीं पर रहूँ और आयाम है मैं वहीं पर गुजारूँ अपने. उससे पहले पहले जो कुछ भी है वो चल रहा है, जब तक जिंदगी और सांस चल रही है. That's pretty much about it. Otherwise, it's an ongoing life, you know, it's daily tasks. Opportunities come, we seize them. I always tell people we're in a state of war. Business is war. Business. You have to have a strategy. You need to lead from the front, and you need to be smart. आप घर बैठ के काउच पे बैठ के कारोबार नहीं कर सकते. सोच जरूर सकते अच्छी strategy, लेकिन you have to be active. शिफा, आजकल स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आप भी बहुत सारी एडवाइजरीज के, स्टार्टअप्स एडवाइजरी के मेंबर भी हैं, तो पाकिस्तान में स्टार्टअप्स क्यों इतने ज़रूरी है, नए पाकिस्तान में स्पेशली? तो आप थोड़ा सा स्टार्टअप्स के हवाले से बताइए प्लीज़. देखिए, स्टार्टअप्स यहाँ पे बहुत सारे इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं. जी जी. कुछ मैंने विजिट भी किया. मुझे समझ नहीं आती कि यंग ग्रेजुएट आके हमारे पास एक आइडिया रखते हैं और कहते हैं जी इसकी वैल्यूएशन जो है वो $10 million की और 10% शेयर में दूंगा $1 million. ऐप की डेवलपमेंट ₹5 million से ₹10 million से ऊपर नहीं जाते, नहीं जाते कितना भी बड़ा ऐप विद मार्केटिंग वगैरह सब कुछ, $5-6 million और डाल दीजिए, $10 million और डाल दीजिए, ₹1 crore और डाल दीजिए. And you know, you can market. If the idea is great, it automatically gets what you are looking at. अब वो बच्चों का ना तो उन्होंने पहले कभी जॉब की है, एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही उनका वो विजन है, ना ही उनके पास वो मैनेजेरियल मैनेजमेंट स्किल्स है, ना ही उन्होंने कभी किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम किया. सो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि यार इससे पहले कि आप किसी स्टार्टअप पर जाएँ, कोशिश करके ग्रेजुएट हों या नॉट डजंट मैटर, लेकिन एक SME में पहले नौकरी करें ताकि आप खुद मल्टी फंक्शनल, क्रॉस फंक्शनल एक छोटी टीम को मैनेज करना सीख जाए. जो भी आपका बॉस है जो SME को रन कर रहे हैं, उसको उससे इंस्पिरेशन लें कि वो कैसे ये बिजनेस चला रहे हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाते हैं हर महीने. सो लर्न दोज टेक्निक्स. फर्दर मोर फिर आप किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करें ताकि आपको बिगर पिक्चर का अंदाज हो, क्लियर बड़ी इन्वायरमेंट में व्हाट्स द रोल दैट यू प्ले. सो 1-2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेकर, थोड़ा सा एक्सपोजर लेकर फिर अपने स्टार्टअप की तरफ ध्यान दें. अगर अल्लाह की तरफ से नज़ूल हो जाए किसी आइडिए का, एंड यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद इट, आई मीन दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, यू कैन स्टिल डू दैट. बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू हैव द राइट मेंटोर. इररिलेवेंट मेंटोर जो है वो स्टार्टअप्स को ख़राब करते हैं. इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे जो है वो एक ऑफिस एनवायरमेंट दे देते हैं. तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुबई की तरह तो है नहीं कि जहाँ पर रहना मुश्किल है और एक्सपेंसिव है, राइट? आपको एक ऑफिस स्पेस चाहिए होता है, कुछ शेयरिंग जगह चाहिए होती है, मल्टीपल लोगों ने एक जगह पर बैठ के काम करना. पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि मेजॉरिटी ऑफ अस हैव देयर होम्स, इट्स अ विला कल्चर. जी जी. राइट. सो एक बच्चे को मुझे पता है कि उसको एक बड़े फैंसी ऑफिस की स्टार्टअप के लिए क्यों जरूरत है. आप अपने घर पे बैठे यार बेडरूम में काम करें, लाउंज में कर लें, वहाँ से काम स्टार्ट करें. जैसे बाहर के मुल्कों में US में लोग गैराज यूज़ करते हैं और गैराज से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे यूज़ कर लें. इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या वैल्यू दे रहे हैं, यू नो, हाफ कुक्ड आइडियाज को पिच करवा रहे हैं, उनका जोर पिच डेक पे इन्वेस्टमेंट रेज करने पे, ना कि उनको एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बनाने पे. दिस इज द गैप.
So when we advise, when we sit with startups, we tell them कि यार पहले इसका revenue model बनाओ, इसकी proven track record बनाओ, इसकी revenue base का. उसके बाद you go for investments. You know, basic छोटी-छोटी investments तो हमें locally मिल जाती है. So as अब यह हमें यहाँ पे ecosystem की बात होती है कि जी पाकिस्तान का startups का ecosystem है, digital world का. There is no ecosystem. There is no ecosystem. एक अरपा करीम टावर के अलावा मुझे तो आईटी का ना कोई इंटरनेट सिटी नजर आता है, सेकंड ऑप्शन कोई है जी, मुझे कोई और सिटी भी नजर नहीं आता. लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज में थोड़े से वो बनाए हुए इंक्यूबेशन सेंटर्स, उसके अंदर भी कोई फंडिंग नहीं है. बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, स्टार्टअप्स वहाँ पे जाके 20,000-30,000 रुपया खर्च करके पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर नाम की बंदा नहीं होता भी, राइट, ना लोकल इन्वेस्टर ना बाहर का इन्वेस्टर होता. और लोकल इन्वेस्टर, इवन माई सेल्फ एज एन इन्वेस्टर, I would not invest with a 19 years old kid. That also $1 million. I need the idea is proper and we need the right share. बिल्कुल. Okay, we need to manage it. So हमारी जितनी भी investments हैं वो शायद भाई सारी की सारी पैरट ग्रुप होती है. Okay. हम अपनी मैनेजमेंट लाते हैं, अपनी मार्केटिंग लाते हैं, अपने टेक के लोग लाते हैं, फाउंडर के साथ क्लोजली काम करते हैं और शादी नहीं करते आइडिया के साथ. अभी नया पाकिस्तान है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नया स्लोगन आया है, रोटी कपड़ा और उसके बाद मकान होता था, अब उसके बाद आ गया डिजिटल इंटरनेट. ठीक है, आप कैसे देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड को, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम आप कर रहे हैं, ठीक है, और आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए. सिंपल क्वेश्चन, पूरे पाकिस्तान में मुझे एक इंस्टीट्यूट बता दीजिए जो प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है. ठीक है, फेसबुक के ऊपर ABS पे काम करना, पिक्सल्स पे काम करना, फेसबुक मैनेजर पे, गूगल एडवर्ड्स पे प्रॉपर आपको काम सिखाता हूँ कि आपने डिजिटल मार्केटिंग ऐसे करनी है. नॉट इवन वन, नो, जो सिखाते हैं वो 20,000-25,000 रुपये लेते हैं, वो जो सिखाने वाले हैं उनको भी खुद कुछ नहीं आता और जो सीखने वाले हैं वो बेचारे भी थोड़ा सा सीख के और एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. वो यूट्यूब बेस्ड कोर्सेज होते हैं बस, वैसे ही है, देयर इज नथिंग प्रॉपर. जी, सेम गोज विद ऑल्सो ग्राफिक डिजाइनर, सेम गोज विद एनीथिंग रिलेटेड टू IT. टेल मी वन प्लेस जो कि आपको प्रॉपर AI सिखाते हैं. हम जी एक ऐप बना रहे हैं जिसमें ब्लॉकचेन होगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी. भाई आपने कभी AI पे काम किए, आपने मशीन लर्निंग पे काम किए, आपने कभी बिग डेटा पे काम किया है, डेटा माइनिंग की है, नहीं की, कोई सिखाने वाला है? सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट रोल गवर्नमेंट इज प्लेइंग. यू नो आई मीन यू कैन ब्रिंग इन पीपल यू नो अ वेरी इन अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल हैज रिसेंटली शोन अप in Pakistan and she is heading the digital transformation of Pakistan from Google. अब वो अगर गूगल से छोड़ के पाकिस्तान आ गई है तो यार बड़ी दुनिया आई है, अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी छोड़ के आई है. हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आए भाई, बिल्कुल राइट, अच्छी चीज़ वो है. ओके, और एक्सपर्टीज भी लेके आए, इन्वेस्टमेंट भी लेके आए, बट वेयर डू वी सिट इन द गवर्नमेंट? हु हैज हर्ड? व्हाट्स द कनेक्ट बिटवीन अस एंड द गवर्नमेंट? जीरो. फर्दरमोर, what initiatives has the government taken? We, as I said, we do not need facilities being wasted. I have seen a lot of facilities being wasted. You know, big assets, huge, वो British दौर के कई कई कनाल के आपको पता है assets पड़े हुए हैं. हमने तो बड़ा सुना था कि कोई चीज़ किसी चीज़ में convert हो जाएगी, कोई किसी में हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ें I don't know where is it all going. You see, the government can't fight smog. You know, and which is basic healthcare. This is our basic right as a citizen to breathe clean air. You know, dengue could not be fought this year. There are so many things. I've hardly seen any development going on, to be honest. Yes, we are in a struggling phase. I love Imran Khan. I think he's a good leader. He's very clear. He represents our nation internationally in one of the best ways. Same goes with our foreign policy and our foreign minister and others. But I think the team right after this is probably not the right team and they need to restructure the team. If they're looking for digital transformation, they need to bring the right professors, the right teachers, the right mentors
to come in Pakistan and train a nation for digital transformation. Money needs to go in academia by the government. Private sector schooling, as you know, UAE get the biggest expense because you've been there, is rental for residents. Yes, right? It's real estate. You have the biggest expense, education. Education. This is where the difference lies. तो शफाक, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आप काम कर रहे हैं, आप डिजिटल वर्ल्ड के लिए क्या यानी कि प्लान्स हैं आपके फ्यूचर के, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग ऑन मोर देन 12 डिफरेंट एप्लीकेशंस. ठीक है. आउट ऑफ व्हिच सम ऑफ देम आर स्टार्टअप्स व्हिच वी हैव पार्टनर्ड विद, एंड देन देयर आर टू व्हिच वी आर वर्किंग बाय आवरसेल्व्स. ठीक. फर्दरमोर व्हाट आई डू इज दैट व्हेनेवर आई गेट अ चांस टू स्पीक, I go to different universities, different forums, and try to advise my youth, which is huge. That's the largest population we have. So, उनको मैं advise जरूर करता हूँ कि यार ये चीजें आप लोग करें. मेरी कोई support required है, I mean happy to impart that. I try to bridge that gap. Unfortunately, हमारा जो academia है यहाँ का, वो MBA करके भी बाहर आते हैं तो वो कुछ नहीं होता. Engineer बन के आते 40,000 रुपए की नौकरी मिलती है. मिलती है बिल्कुल. My grandfather used to say, उनका कुछ दुआ करवाने आता तो कहते अल्लाह ताला तुम्हें इल्म और हुनर अता फरमाए. So he used to ask, what's the difference between two? And he used to respond के बेटा, हुनर से you will make money, which is skill, and इल्म से you will build your character. Correct. No doubt. Right. This is where उससे आपको leadership skills आएंगे. So ये दोनों चीजों का होना जरूरी है. जरूरी है. Universities इल्म जरूर दे रही हैं, skills नहीं. Skills नहीं दे रही. And we need skills. Otherwise we're going to waste our youth. आज जो बच्चा 25 साल का है, it's only 10 years bracket. 10 साल बाद वो 35 का होगा. 35 का जाया होगी. 40 का हिट करेगा, उसमें वो ड्राइव ही खत्म हो जाएगी भागने की, दौड़ने की, कारोबार उठाने की. राइट सर, वो ड्राइव तो होती 22-21 साल की उम्र से लेके कोई 40 years की एज तक होती है. 40 years के बाद तो बिल्कुल ही माइंड सेट ही चेंज हो जाता है इंसान का. सो वट इज़ इट दैट वी कैन डू? हम NGOs आ जाती हैं जी, हम स्कूल्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बना रहे हैं. यू डन अ ग्रेट जॉब, अ लॉट ऑफ NGOs हैव डन अ ग्रेट जॉब. क्या वो सस्टेनेबल मॉडल्स हैं? आई मीन हर महीने अगर आपने हम डोनेशन भी उसको चलाना है तो इट्स द रॉन्ग मॉडल. रॉन्ग मॉडल. राइट. इट हैज़ टू बी अ कमर्शियली सस्टेनेबल मॉडल. हु इज़ ड्राइविंग दैट फोर्स? आप हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, शायद भाई आप मुझे बताइए, हर कोने जो ACC है उसने आपकी यूनिवर्सिटीज़ को तो रेगुलेट कर दिया. जी जी. डिग्रीज को भी रेगुलेट कर दिया, दो नंबर डिग्रीज लेने वालों को भी पकड़ लिया वर्ल्ड. लेकिन वो लोग जो बेचारा डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकता और स्किल लेने छोटी छोटी अकेडमीज में जाते हैं और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उसकी रेगुलेशन कहाँ पे? हर आई वॉज अमेज्ड. मेरे पास बच्चे आए, रिक्रूटमेंट हम लोग कर रहे थे, उनको इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स थे, कोई किस इंस्टीट्यूट का, कोई किस का, कोई किसी के अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट. मैं तो बेटे ये क्या रैंडम सर्टिफिकेट्स है, और कौन ये रैंडम लोग हैं जो कि सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं? एंड हु हैज गिवन देम द अथॉरिटी टू इशू सर्टिफिकेट्स? ओके, वेब डिजाइनिंग की हुई है जी, क्या आता है सर? लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है. वो एक सिंगल पेज ही डेवलप कर सकते, बेसिक वर्डप्रेस नहीं कर सकते, अंग्रेजी की लाइन नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ई मेल नहीं लिख सकते. आप बिजनेस या सॉफ्टवेयर कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? India has done a great job. Philippines has done a great job. They are exporting software, design, so much more. Where do we stand? Private sector, like us, happy to do it. But what we receive as a private sector is advertising pe hamara 18% tax. Mujhe bataya ek chota sa samosa ki dukaan hai. Maine uski digital marketing kar li hai. Aap 18% tax laga de uske upar. पॉसिबल नहीं होगा. उसकी फिजिबिलिटी बनती है सर? नो. वो आने से पहले ही मार्केट में इसे बेचो. बिल्कुल. लाख रुपए की कहता है सर मैं कैंपेन करता हूँ, अपने बच्चों का पेट काट के लाख रुपए आपको दे रहा हूँ कि सर मेरा इधर आप समोसे वाली जगह चल जाए. मैं एक छोटा सा इवेंट कराना चाहता हूँ जी, 50,000 रुपए का, अपने शॉप पे मिठाई की दुकान करवा सकता सर? नहीं करवा सकता. हम उसको क्या एक्सपर्टीज दे सकते हैं? SMEs मस्ट बी गिवन. आज के दौर में वी नीड फ्री जोन्स. अगर हमने फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, हमारे पास रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जैसे बाहर के मुल्कों में. जी जी जी. हमारे लैंड डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को डिजिटाइज होना चाहिए
कंप्लेंस वगैरह हेल्थ केयर की डिजिटाइजेशन ज़रूरी है, एजुकेशन की और इन सारी चीज़ों की। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कितना पुराना विजन था, आज कितने बच्चे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, राइट और रॉन्ग? राइट, राइट सर। सो वो छोटा सा विजन है, वही वर्चुअल यूनिवर्सिटी अगर ऑनलाइन हो जाए तो और ज़्यादा भी ग्रेट। इंटरनेट इज स्टिल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। जो हमारे आउटस्कर्ट्स में लोग बैठे हैं वो सर अफोर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट? नहीं कर सकते। 15,000-20,000 रुपया एक एवरेज सैलरी है गरीब घर की, 6 बंदे खाने वाले हैं। आप मुझे शायद में बताएं 20,000 रुपये में गुजारा हो सकता है 5 लोगों का? इम्पॉसिबल। आई हैव मेट पीपल इन आवर कंट्री जो कहते हैं कि सर हमें ईद के कोई गोश्त फेंक जाता है तो हम खा लेते हैं। ऐसे है? और ये लड़के लड़कियाँ कौन है? ये लड़के लड़कियाँ वो है जो हमें डेली फिरोजपुर रोड पे ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए नज़र आते हैं, उतरते हुए नज़र आते हैं, किसी बाइसिकल पे नज़र आते हैं, किसी रिक्शे के अंदर बैठे हुए नौकरी पे जाते हुए नज़र आते हैं। ये वो लोग हैं। दिस इज कॉमन नेशन, कॉमन कॉमन एंड नॉट टेकन केयर ऑफ। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट डिजिटाइजेशन आर यू टॉकिंग अबाउट। यस यू वॉन्ट टू लीड इट, you need to involve the people from the grassroots level. Grassroots level, no doubt. You need to involve people jo bechara hai government school mein padha hua hai, tart ke school mein, tobe mein padha hua hai, kisi aur ilake mein padha hua hai, murid ke mein padha hua hai, you know, involve them, bring them on board, that is the solution. Bilkul, absolutely right sir. Shifaz sir, acha Shifaz sir, bahut sare kam log jante hain aapki personality mein ek cheez aur bhi hai जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ आज आपके यहाँ आके। बहुत सारी चीज़ें मेरे पर एक राज की तरह खुली हैं और वो है रूहानियत। रूहानी एतबार से आपका फैमिली, आपका घराना, मैं समझता हूँ पंजाब में एक बड़ा फेमस घराना है, आपके फादर और ग्रैंडपा जो भी हैं आप, तो उसमें ये है कि रूहानी एतबार से एक लोग आपके यहाँ आते हैं, ठीक है, और फैज़याब होते हैं, ये सिलसिला क्या है? थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में आप बताइए प्लीज़। Well, this is, we belong to the Hashmi family. Hashmi family. So we are the lineage of Imam Hussain alayhi salam. MashaAllah. And with a complete intact Shajra Nasab. Along with us, there are many others. Also Hashmis, our brothers, sisters. So my great-grandfather, Hazrat Khaja Abdul Hakim Ansari rahmatullah alayhi, he is a direct descendant of Hazrat Abu Ayyub Ansari rahmatullah alayhi. So कुछ काफ़ी सा पहले प्री पार्टीशन, आपको पता है कि सूफीज़म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती थी और बेसिकली तो सूफीज़म हाईजैक हो गया जी। रूहानियत दरगाह का सिस्टम सारा हाईजैक हो गया, लोगों ने उसको अपने पर्सनल मफादात के लिए यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल कर लिया उस सारे काम को, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स भी हो गई। सो जो चीज़ जो कोर है हमारे रिलीजन की वो है तौहीद, और तौहीद से लोग दूर हटते गए और किसी और चीज़ों में चलते गए, इन्वॉल्व हो गए। सो वी वांटेड एंड आवर ग्रेट ग्रैंडफादर रहमतुल्लाह अलैह ही वांटेड दैट वी शुड ऑल गैदर बैक ऑन द सेम कोर प्रिंसिपल ऑफ तौहीद एंड बिलीविंग दैट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट एंड द फाइनल मैसेंजर। सो व्हाट्स द कोर एंड दैट कोर वाज इंपॉर्टेंट। सो विद दैट स्पिरिचुअल ऑर्डर we have a very balanced approach towards life and a balance of life and ibadat, and this is life. So if we understand the aswa hasna of our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam and all other prophets more than 124,000 for example, and the sahaba and the ahlul bayt and all, god bless all of them, agar hum unki lifespan dekhte hain to they had a balanced life, you know, they would work, they would earn, they would even go out for wars, and they would still do their ibadat, and they still had a very strong link with their Lord. Now, iman, I think, is the foundation of even being a businessman. Okay. I can't take a risk unless I believe in someone who is bigger than me who will support. You know, so jo hum risk taking karte hain entrepreneurship mein kaam karte hain. अगर मैं मार्केटिंग की एग्जांपल देखूं तो मेरे ख्याल में जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की उससे बेहतर मार्केटिंग की एग्जांपल कोई नहीं।
अगर हम स्ट्रैटेजी की बात देखें तो जो उनकी वॉर स्ट्रैटेजीज थी उससे बेहतर कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती। हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है किसी भी इंसान का जिसकी एग्जाम्पल किसी नबी में या अस्वाए हसना में या आदल बैद में ना मिलती हो जिससे हम रिलेट ना कर सके। अगर कोई शख्स बीमार हो तो अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को देख लीजिए तो आपको सबर सबर मिल जाता है। अगर आप किसी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में फंसे हों तो यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लीजिए जो मछली के पेट में चले गए। तूफान आ जाए और उसमें फंस जाए लोग आपको बहुत बुरा भला कहें तो नूह अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि हाउ अल्लाह हर्ड हिज प्रेयर। सिमिलरली देयर इफ यू आर एन ओपन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख लीजिए। फैमिली आपके अगेंस्ट हो दैट राइट चेंज आपने लानी है कल्चर में बिजनेस में सोसाइटी में नेशन में ऑल दोज एग्जाम्पल्स आर राइट देयर। सो वी आर अ कंप्लीटली नॉन सेक्टेरियन non-political and non-funded good spiritual order. We do not say that you're a Shia or a Sunni or this and that. We don't label people, we don't judge people. We believe in peace, commonalities, or hamara deen itna inclusive hai ki it makes it exclusive. So Islam welcomes people without discrimination. It's all about unconditional love. Now, people come to us and they say, well, I have 18 years or 21 years of education and we're still learning. And I keep wondering, ke duniya ke authors ki books padhte hain, uske liye to aapko teacher chahiye. Lekin deen samajhne ke liye, the author of a book who is Allah, you don't need a teacher. Aapne business karna hai, startup karna hai, aapko mentor chahiye. Life guzarne ke liye, aapko life coach nahi chahiye. Ya aapko murshid nahi chahiye. You need a murshid. Murshid is someone who is your guide, who prays for you just like your parents, who loves you unconditionally like your parents. He doesn't need anything in return. Only thing he needs is look at his mission. His mission is a society which fosters peace and fosters love. Right? गुस्सा और नफरत की नफी ये हम सिखाते हैं माशाल्लाह राइट। सो ये दो चीजें अगर हम छोड़ दें तो हमारी सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। वी बिलीव मेरे बड़े नाना जो थे वो फरमाते थे कि हमें सूटेड बूटेड मोमिनीन की जरूरत है। फरमाते थे उनका एक शेर है जस्तजू कौम को है ऐसे मुसलमानों की जस्तजू कौम को है ऐसे मुसलमान ऐसे मुसलमानों की जिनको मिलता हो सुकून गोद में तूफानों की। वाओ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंट वी नीड बी इट इकोनॉमिक तूफान फाइनेंशियल तूफान एक्सपोर्ट ना होने का तूफान ये जो हमारे प्रोसेशंस निकलते हैं यहाँ पे उनका तूफान। सो जो हम एक बाइपोलर सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं वन इज extraordinarily modern atheism, secularism, and one is Mullahism. In bipolar society, a time is when the contagion will increase, friction will be formed. So, beech ka rasta, jise sirat-e-mustaqim kehte hain, central, balanced, that is very important. So, what I always tell people is, yaar, sare din jo karna karo, matha zarur teka karo. It keeps you grounded. वही हकीकत है, वही हकीकत है। I have seen people, you know, जो अचानक से they pass away, heart attack हुआ चले गए, कोई बीमारी आ गई चले गए, and they won't be running after. You see, and as I said earlier also, I'm not after wealth. Wealth is a byproduct. Wealth helps us position. पैसे होंगे तभी ज़कात दूंगा ना सर जी बिल्कुल तभी सदकात दूंगा बिल्कुल तभी खैरात दूंगा लेकिन क्या लोगों की खैरात इकट्ठी करके बांटूंगा नहीं, जो हमारे आज के दरगाह का सिस्टम है या खुद अर्न करके और खैरात करूंगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वी नीड टू वर्क वी नीड टू हैव बिजनेसेस वी नीड टू टेल पीपल कि यार आपने ये दिन के 6 घंटे किसी जगह पर बैठ के वेस्ट नहीं कर रहे। हाँ कभी कभी आप बैठे अल्लाह की महफिल में वीक में एक दफ़ा बैठ लीजिए अपनी पर्सन अल्लाह करें अल्लाह से अपना रिश्ता खुद जोड़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें
ان قسم کے مسئلوں سے باہر نکلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. بالکل. یو نو جسٹ گیٹ آؤٹ آف دی سسٹم. دس از ناٹ اے کوسچن ٹو بی آسکڈ. اٹس اے کوسچن آؤٹ آف سلیبس. آؤٹ آف سلیبس ناٹ آؤٹ رائٹ. یو ول بی آسکڈ کہ آپ نے کیا کیا, آپ کا ایمان تھا رب پہ, اسوائے حسنہ کو آپ یعنی کہ اپنی زندگی بالکل لائف کا حصہ بنائے. بالکل. میرے حساب سے سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا. جی ہاں, اسٹارٹنگ بھی وہی ہوتی ہے وہیں سے پرابلمس کی. سو ڈونٹ لائی, یو ڈو بیڈ, اٹس اوکے. اللہ تعالیٰ کی مہربان رحیم ہے, وہ آپ کو معاف کرنے والے ہیں. توبہ کرے. جن اللہ کا فضل ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو ان پہ سختی آتی ہے, اور جب ان پہ سختی آتی ہے تو وہ ڈھونڈتے ہیں سب میں کس کے پاس دعا کرواؤں, کیا کروں, کیسے اس کو سیٹ کروں, یو نو. اور اللہ تعالیٰ ان کو رستہ دکھا دیتا ہے. رائٹ. بٹ یو نیڈ ٹو بی اے سیکر آف ٹروتھ. ہم سب نے مرنا ہے, ہم سب نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور ہمیں کیا شکل لے کے جانا ہے. مجھ سے کچھ شخص آ کے پوچھتے سر آپ بتائیں, انہوں نے دیکھ کے کہ میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی, میں جنتی دوست ہوں. میں اسے کہتا ہوں بیٹا شام کو جانا, شیشے کے سامنے کھڑے ہو جانا, اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھنا, خود ہی پتہ لگ جائے گا خود ہی جنتیوں کے دوست کی. What good have you done and what bad have you done? It's a mirror image. Right? I think ہم کسی کا حق نہ مارے, میوچل رسپیکٹ رکھیں, اپنے بڑوں کی عزت کریں, اور زندگی میں کوئی ایسا صحیح مرشد ضرور تلاش کریں کہ جب کوئی نہ ہو تو اس کے قدموں میں جا کے بیٹھے, اس سے سیکھے. اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے سکون بھی ملتا ہے, اس میں حقیقت بھی ہے. اور بڑے صغیر کی جب آپ ہسٹری دیکھیں تو یہاں تو ویسے بھی ولی اللہ اور بہت زیادہ ہستی ہیں. Who was the biggest اولیاء؟ امام حسین, امام حسن علیہ السلام, امام جعفر صادق, امام جعفر صادق جی, امام مصطفیٰ, امام علی علیہ السلام, امام بخاری, امام شافعی, امام احمد, یہ سب امام ہیں ہمارے. بالکل. یہ سب اولیاء اللہ ہیں. بالکل. قابل عزت ہیں, بہت بڑے ہیں. بالکل. حضرت علی اجمیری, حضرت شاہ نگار, حضرت شیخ ابو القاسم, سب بزرگ ہیں. بالکل. بالکل. یو تھنک کہ اٹس ایزی کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو دین پہ مائل کر دے؟ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, از اٹ ایزی؟ نو. کیا ان کو شوق نہیں تھا کہ ہماری بہت سارے محض ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں, بالکل پولیٹیکل پاور ہوتی اور کافی کچھ ہوتا ہے. دے ڈیڈیکیٹڈ دیئر لائفز, اینڈ سو آر وی, سو آر مائی پیرنٹس, سو مائی برادر سید مزین رسول ہاشمی, ہی لکس آفٹر دا افیئرز آف آور اسپرچوئل آرڈر. آئی لک آفٹر دا فائنینشیلز اینڈ دا بزنس اینڈ ملٹیپل ادر تھنگز. وی آر بوتھ ٹو آرمز آف مائی فادر. And Allah blesses, I'm looking, we're always seeking کہ کسی کے لیے زندگی اچھے سے چینج ہو جائے. سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے, سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. شفاعت, کوئی لاسٹ کوئی ایسا میسیج یوتھ کے لیے, نئے لوگوں کے لیے, نئے اسٹارٹ اپ کرنے والوں کے لیے؟ ویسے تو سارا انٹرویو ہی آپ کا ایک میسیج تھا, تو کوئی ٹو ورڈز پلیز. Keep the faith. Always read Quran, that's the biggest book. Think deep, learn skills and action. Chot lagegi, koi baat nahi, giroge fir uthoge. Agility paida kare, persistence paida kare. I like a friend of mine, persistence. You need to be consistent, you need to be persistent, and you know, focus. Ab bahut sare kaam ek waqt mein na kare, ek cheez ko pakde, usme specialize kare, excellence hasil kare. And you know, keep the vision that you got to win the world. Keep a big vision. I am there. If anybody and any of your viewers, you want any support, I'm always there for any kind of support. Thank you. Thank you, Shafaat. Ji, Nazreen, maine kaha tha na program ke starting mein ki aaj ka jo interview hai ya aaj ki jo nishist hai bahut interesting hone wali hai. No doubt, humne aaj aapko ek aisi shakhsiyat ke sath taaruf karaya unka جو دین میں بھی اور دنیا میں بھی دونوں میں بہت ہی کامیاب ہے, اور ان کے سارے ایمز بھی آپ کے سامنے ہیں. تھینک یو ویری مچ شفاعت. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد ہم ملیں گے ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اچھا, تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار. ایک مشورہ تو دو. ہاں,
कंस्ट्रक्शन के लिए सरिया कौन सा खरीदूं? मॉडल स्टील का सरिया ही खरीदो। इसमें क्या खास बात है? मॉडल स्टील का सरिया जदीद तरीन क्वालिटी एश्योरेंस लैब से पास होता है, जहां पर इसकी मजबूती और मयार को परखा जाता है और यूं हमें बेहतरीन क्वालिटी दी जाती है। सिर्फ दावा नहीं किया जाता। अरे यार, मैं तो समझा कि तेरा ये दिमाग सिर्फ शतरंज में ही चलता है। मॉडल स्टील, मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ।